नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम हुई होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहा होगा। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। जब से रामलला की नई विग्रह देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जयकारा है। रामलला की प्रतिमा को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण होते हैं। रामलला की प्रतिमा को इसी पत्थर से आखिर क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कारण है। इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिलेगा। असल में रामलला की पूजा के समय उनका दुग्ध से अभिषेक किया जाएगा और अब इस पत्थर के गुण की वजह से दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। और दूसरी खास बात यह है कि इस पत्थर का हजार साल तक भी कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इसकी संरचना में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम के जिस स्वरूप के बारे में बताया गया है, उसमें उन्हें श्याम वर्णी, सुंदर इतने कि करोड़ों कामदेवों की चमक भी उनके सामने फीकी पड़ जाए, साथ ही कोमल और आकर्षक भी उनको बताया गया है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग भी श्यामल ही रखा गया। मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है और इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में श्याम वर्ण की बनाई गई है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भगवान राम की, रामलला की उस दिव्य अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कर लेने के बाद आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।